हाय गाइस एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड टू आई शॉप एप्लीकेशन रजिस्ट्रार से। ये एमयू का बीएससी का एडमिशन टेस्ट पेपर है 2021-22 का। तो इसके अंदर जो है 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, लेकिन 150 क्वेश्चन इसमें दिए हुए होते हैं और 2 घंटे का ये पेपर रहता है। दिस क्वेश्चन बुकलेट हैज़ 150 क्वेश्चन डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग 6 सेक्शंस में ये डिवाइड हुए हुए हैं। इंग्लिश, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीनों सेक्शन क्या हैं आपके, कंपलसरी हैं। यानी 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन जो हैं आपके क्या हैं, ये कंपलसरी हैं। सेकंड पॉइंट है, कैंडिडेट्स विल हैव टू अटेम्प्ट एनी वन सेक्शन फ्रॉम फोर्थ एंड या फिफ्थ टू बी कंसिडर फॉर एडमिशन इन द फैकल्टी ऑफ साइंस और लाइफ साइंस। इसमें से आपको एक वन चूज़ कर लीजिएगा, फोर्थ या फिफ्थ में, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, तो आप एलिजिबल हो गए फैकल्टी ऑफ साइंस में और लाइफ साइंस में। कैंडिडेट्स विल हैव टू अटेम्प्ट एनी वन सेक्शन फ्रॉम फोर्थ फिफ्थ सिक्स टू बी कंसिडर फॉर एडमिशन टू होम साइंस इन द फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज। इनमें तीनों में से एक करेंगे तो एग्रीकल्चर साइंसेज के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ऑप्शन फॉर अटेम्प्टिंग सेक्शन सिक्स जो है होम साइंस, इज ए होम साइंस जो है बीएससी होम साइंस जो अवेलेबल है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है ओनली। ओके, तो आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और वो आपकी चॉइस रहेगी। आप बीएससी बायोलॉजी से करना चाहते हैं, ज्योमेट्री से, जियोलॉजी से, ज्योग्राफी से, साइंस से, या लाइफ साइंस वाले सब्जेक्ट से, ओके, या एग्रीकल्चर वाले से, या आप बीसीए करना चाहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश क्वेश्चन है ये। द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली डैश आउट फॉर देयर वेरियस वर्क्स। तो द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली आर आउट ऑफ देयर वेरियस वर्क्स। सेकंड क्वेश्चन, रितीश रीच्ड लंदन एट 10 PM लास्ट संडे। वी वर स्टार्टेड बाई अ स्ट्रेंज साउंड। क्वेश्चन नंबर फोर, सी फॉर पास्ट द एग्जामिनेशन डिस्पाइट द फैक्ट डैट सी स्टडीड वेरी लिटिल। क्वेश्चन नंबर फाइव, बिफोर द आर्यंस केम टू इंडिया ड्रेविडियंस हैड लाइव्ड देयर। रोहित वर्क्स एट अ बिग हॉस्पिटल, सी इज अ डॉक्टर। द मीनिंग ऑफ कॉर्पुलेंट इज ओबेस, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर एट, वर्क हार्ड जॉन, आई एम श्योर योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट। आर टाइम आर डजन मीन्स एनी थिंग डैट इज कॉमन एंड ईजी टू गेट। द सिनोनिम ऑफ हेलुसिनेशन इज इल्यूजन। अनकाइंड एंड वेरी अनप्लेसेंट क्रिटिसिज्म ऑफ समवन इज इन्वेक्टिव। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड इज इनकोरिजिबल। द एंटोनिम्स ऑफ एंटागोनिज्म इज कोऑपरेशन। द मीनिंग ऑफ कंजूमेट इज परफेक्ट। आलिया इज सच अ ग्रेट प्रीटी गर्ल, आलिया इज अ सच अ प्रीटी गर्ल। क्वेश्चन नंबर 16, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस वाई चूजिंग द करेक्ट सिक्वेंस। तो इसमें आपको सिक्वेंस चूज करनी है। तो हाउ कैन यू ट्रस्ट अ मैन हु प्लेज फास्ट एंड लूज। क्वेश्चन नंबर 17, द पैसिव फॉर्म ऑफ समवन हैज़ स्टोलन माई कार इज। तो माई कार हैज़ बीन स्टोलन। क्वेश्चन नंबर 18, देयर हैज़ नॉट बीन एनी मैसेज फ्रॉम माई टीचर सिंस सी मूव्ड टू लंदन। टू राइट रेगुलरली फॉर प्लेजर इज वाट सी वॉन्ट्स टू डू नाउ। वन ऑफ दिस रिलेशंस हैज़ बीन चार्ज विद मर्डर एंड सेंटेंस्ड टू डेथ बट ही हैज़ अपील टू द प्रेजेंट फॉर मर्सी। क्वेश्चन नंबर 21, चिल्ड्रन ऑट टू रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। सी डज नॉट वेयर मच ज्वेलरी। आई पुट सम मिल्क इनटू द ग्लास। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच।
करीम सेड आई शैल गो टू द काठमांडू टूडे करीम सेड डैट ही वुड गो टू काठमांडू डैट डे नोबडी इन आवर ग्रुप इज़ अ जीनियस एट विनिंग फ्रेंड्स एंड इन कॉन्विंसिंग पीपल ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अभी सेक्शन सेकेंड है केमिस्ट्री, ये भी कंपल्सरी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका, तो पेपर पता चल जाएगा आपको किस तरह का पेपर आता। और 10 साल के पेपर इसमें ऑलरेडी इस चैनल पर हैं लास्ट ईयर के। ये आपका सेक्शन थर्ड आ गया फिजिक्स।
ये सेक्शन 4 है। जो होम साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें सेक्शन 4 और 5 करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ साइंस और एग्रीकल्चर वालों के लिए ऑप्शन है 4, 5 या 6, वो स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ये सेक्शन 5 है बायोलॉजी। ये आपका सेक्शन 6 है होम साइंस।
Please subscribe the channel. Thank you for watching this video.